नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। ट्विटर को जब से एलन मस्क ने खरीदा है, वे लगातार नई नई चीजें ला रहे हैं। इसके साथ ही वे ट्विटर की तमाम सर्विसेज को पेड भी कर चुके हैं। ट्विटर पर ब्लू टिक पाने के लिए लोगों को पैसे देने पड़ रहे हैं। हालांकि इसके साथ ही ट्विटर ब्लू टिक का सब्सक्रिप्शन लेने वालों को तमाम सुविधाएं भी दिए जा रहे हैं। इसी बीच ट्विटर की तरफ से उनके ब्लू सब्सक्राइबर्स के लिए नई घोषणा हुई है। एलन मस्क ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि जिन लोगों के पास ट्विटर ब्लू का सब्सक्रिप्शन है, वो ट्विटर पर 2 घंटे तक का वीडियो अपलोड कर सकते हैं। प्रदूषण को नियंत्रित करने और लोगों के लिए स्वच्छ वातावरण देने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सभी वाहन निर्माताओं से अनुरोध किया है कि वे अगले पीढ़ी के BS7 अनुपालन वाले ऑटोमोबाइल पर काम करना शुरू करें। उन्होंने कहा है कि ऑटो उद्योग यूरो 7 उत्सर्जन मानकों का पालन करे और इस बात का इंतजार ना करे कि सरकार उन्हें इस बात के लिए पुश करेगी, तभी वो इस तरफ कदम बढ़ाएंगे। गो फर्स्ट एयरलाइन दिवालिया घोषित होने की कगार पर पहुंच चुका है। इंजन संबंधी समस्याओं के चलते कंपनी की आमदनी प्रभावित हुई है, जिसके चलते उसे सभी उड़ानें रद्द करनी पड़ी थी। वह इस मामले में भारत के नागरिक उन्नयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा है कि गो फर्स्ट का दिवालिया प्रक्रिया में जाना देश के एविएशन सेक्टर के लिए अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि मंत्रालय जल्द से जल्द गो फर्स्ट की फ्लाइट को फिर से शुरू करना चाहता है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में शांति बदले माहौल, विकास के साथ ही G20 की बैठक में डिजिटल जम्मू कश्मीर की तस्वीर भी पेश की जाएगी। विदेशी मेहमानों को यह बताने की कोशिश होगी कि प्रदेश में न केवल शांति आई है बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं, विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर डिजिटल रूप से भी सशक्त हुआ है। जल्दी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने के साथ ही इनको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करने की परियोजना पर काम करने वाला है। केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग नितिन गडकरी ने कहा है कि हमारी आने वाली परियोजनाओं में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जेवर हवाई अड्डे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बीच कनेक्टिविटी शामिल है। यह सड़क 3,000 करोड़ रुपए की लागत से 32 किलोमीटर लंबी होगी। यह प्रोजेक्ट जून 2025 तक पूरा हो जाएगा। देश में घरों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए उज्ज्वला योजना जैसी कई बड़ी स्कीम चलाई गई हैं। अब इसी क्रम में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी EESL खाना बनाने के इको फ्रेंडली तरीके को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। इस कार्यक्रम के तहत सरकार बाजार से सस्ती दरों पर इंडक्शन चूल्हा और इंडक्शन प्रेशर कुकर की बिक्री करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को दूसरे चिंतन शिविर की अध्यक्षता कर रहे हैं। नई दिल्ली में होने वाले इस चिंतन शिविर में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें पीएम मोदी के विजन 2047 को अमल में लाने के लिए एक्शन प्लान पर चर्चा होगी। भारत भीड़ से जुड़े हादसों का तेजी से केंद्र बनता जा रहा है। एक नए अध्ययन में यह दावा किया गया है, इसमें कहा गया है कि धार्मिक समारोहों में भीड़ से जुड़े हादसे होने की आशंका सबसे ज्यादा रहती है। अध्ययनकर्ताओं ने भीड़ से जुड़े हादसों में जान गंवाने वाले और घायल होने वाले लोगों का अब तक का सबसे व्यापक डेटाबेस तैयार किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि यह डेटाबेस दुनिया भर में सार्वजनिक आयोजनों में किए जाने वाले सुरक्षा उपायों में सुधार लाने में मददगार साबित होगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट के लिए जापान के हिरोशिमा के लिए रवाना हो गए हैं। दुनिया के 7 धनी देशों का ये संगठन 19 मई से लेकर 21 मई तक उसी हिरोशिमा शहर के सबसे शानदार होटल ग्रैंड प्रिंस में समिट कर रहा है, जहां 1945 में एटम बम गिराया गया था। G7 इस बार जब हो रहा है तो ये उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती वाला समय है। गौरतलब है कि भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है, लेकिन 7 और आमंत्रित देशों के साथ उसे भी इसमें बुलाया गया है। केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में एक और बड़ा बदलाव किया गया है। किरेन रिजिजू के बाद SP सिंह बघेल की भी छुट्टी की गई है। वे कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री थे, अब उन्हें इस मंत्रालय से हटाकर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भेज दिया गया है। राष्ट्रपति ने पीएम नरेंद्र मोदी की सलाह पर राज्य मंत्री SP बघेल का मंत्रालय बदल दिया है। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में L&T के सहयोग से क्यूब हाईवे द्वारा गाजियाबाद अलीगढ़ नेशनल एक्सप्रेसवे को 6 लेन बनाने का कार्य चल रहा है। क्यूब हाईवे द्वारा 100 घंटे में 100 किलोमीटर रोड बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। अभी तक विश्व रिकॉर्ड 75 घंटे में 75 किलोमीटर बनाने का था। विश्व रिकॉर्ड बनाने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। रांची पटना और रांची हावड़ा के बाद अब जमशेदपुर हावड़ा के लिए झारखंड को तीसरी वंदे भारत ट्रेन मिलेगी। वहीं मई के बदले अब जून में रांची पटना के लिए वंदे भारत का परिचालन होगा। 4 महीने बाद रांची हावड़ा के लिए वंदे भारत ट्रेन पटरी पर दौड़ेंगी। अंत में जमशेदपुर के लिए ट्रेन का परिचालन होगा, जिसकी तिथि की घोषणा नहीं हुई है। देश में लगातार सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। आए दिन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी नई परियोजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास करते रहते हैं।
इसी कड़ी में देश को एक नए एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है। दरअसल NHAI देश में वाराणसी एक्सप्रेसवे की योजना बना रहा है। इसके बनने के बाद केवल 17 घंटे में दिल्ली से कोलकाता तक का सफर किया जा सकेगा। दिल्ली की नौकरशाही विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी LG विनय सक्सेना और CM अरविंद केजरीवाल के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर जारी तकरार अभी समाप्त नहीं हो पाया है। बता दें कि दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सेवा सचिव को बदलने के लिए सरकार ने कल शाम माननीय LG को फाइल भेजी थी। LG चुनी हुई सरकार की सहायता और सलाह से बंधे हैं। हमने अभी तक फाइल वापस नहीं मंगाई है, लेकिन हमने लिखा था कि यह बहुत जरूरी था कि मुझे उम्मीद है कि आज LG फाइल को हमारे पास भेज देंगे। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को जस्टिस प्रशांत किशोर मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता कलपति वेंकटरमन विश्वनाथन को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के तौर पर पद की शपथ दिलाई है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने शीर्ष अदालत के सभागार में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। जस्टिस मिश्रा और विश्वनाथन के शपथ लेने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 हो गई है, जो इसकी स्वीकृति संख्या है। खालिस्तान समर्थक आतंकी अर्श डल्ला और कनाडा में मौजूद आतंकी सुक्खा दुनी का करीबी अमृतपाल सिंह को फिलीपींस से भारत लाया गया है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक खालिस्तानी टाइगर्स फोर्स से जुड़े अमृतपाल सिंह को फिलीपींस से डिपोर्ट कर गुरुवार की देर रात भारत लाया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर आते ही NIA ने अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और BJP सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का धरना पिछले 27 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी है। इस बीच बृजभूषण शरण सिंह के एक बयान ने हंगामा मचा दिया है। दरअसल बृजभूषण सिंह ने एक यूट्यूब चैनल को दिए गए अपने इंटरव्यू में खिलाड़ियों के मेडल लौटाने की बात पर कहा कि मेडल की कीमत तो महज 15 रुपए है। बृजभूषण शरण सिंह के इस तरह के बयान के बाद हंगामा मच गया और चारों तरफ से उनके इस बयान की निंदा हो रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की विजिलेंस रिपोर्ट ने समीर वानखेड़े के बारे में कई खुलासे किए। वानखेड़े NCB के पूर्व मुंबई जोन प्रमुख थे और यह चक्रवर्ती और आर्यन खान सहित कई हाई प्रोफाइल मामलों में जांच को लीड कर रहे थे। ड्रग्स के मामले में आर्यन खान को फंसाने के लिए शाहरुख खान से कथित रूप से 25 करोड़ रुपए का घूस मांगने के आरोप में वानखेड़े के खिलाफ CBI जांच के बीच ये विजिलेंस रिपोर्ट आई है। विजिलेंस रिपोर्ट में बताया गया कि समीर वानखेड़े ने 2017 और 2021 के बीच 6 निजी विदेश यात्राएं की। उनकी डेस्टिनेशन में ब्रिटेन, आयरलैंड, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका और मालदीव शामिल थे। असम में पुलिस में सब इंस्पेक्टर रही जून मोनी राभा की मौत अब राजनीतिक रुख का अख्तियार कर रहा है। कांग्रेस ने मांग की है कि पुलिस अधिकारी की मौत के मामले की जांच का जिम्मा CBI को दिया जाना चाहिए। वही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा का कहना है कि पुलिस अधिकारी के परिवार को CBI जांच का ऑप्शन दिया जाएगा। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की वजह से जून मोनी राभा को लेडी सिंगम के तौर पर जाना जाता था। दिल्ली शराब घोटाला मामले में CBI की गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद है। इस बीच उनका एक तहलका मचाने वाला लेटर सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से उसे शेयर किया है। इस पत्र में सिसोदिया ने कवित के माध्यम से केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर लोक कल्याणकारी और जनहितैषी योजनाओं पर अमल हुआ तो चौथी पास राजा का राजमहल हिल जाएगा। दिल्ली की नौकरशाही पर नियंत्रण को लेकर केंद्र और केजरीवाल सरकार के बीच जारी तानातनी पर 11 मई को शीर्ष अदालत ने आप सरकार के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था। उसके बाद से CM अरविंद केजरीवाल एक्शन मोड में है। उसके इस रुख से दिल्ली में तैनात अधिकारियों के बीच हड़कंप की स्थिति है। भारत अपनी सभी राज्यों और स्थानीय निकाय प्रशासन को आपदा जोखिम कम करने के लिए 2025 तक $6 अरब के अतिरिक्त आर्थिक संसाधन मुहैया करा रहा है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा ने UN के मंच से कहा है कि यह धनराशि पहले से धनराशि $23 अरब की रकम के अतिरिक्त है। आपदा जोखिम कम करने के लिए बने सेंदाई फ्रेमवर्क की न्यूयॉर्क में आयोजित मध्य अवधि समीक्षा बैठक के दौरान भारतीय प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई कर रहे डॉक्टर मिश्रा ने कहा है कि भारत आपदा जोखिम में कमी के मुद्दों को अत्यधिक महत्व देता है। यह भारत सरकार की लोक नीति का एक केंद्रीय विषय है। लैंड फॉर जॉब्स केस में गुरुवार को ED ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से दिल्ली मुख्यालय में 4 घंटे तक पूछताछ की। राबड़ी देवी से यह पूछताछ राजद विधायक किरण देवी और राज्यसभा सांसद प्रेमचंद गुप्ता के ठिकानों पर CBI की रेड के 48 घंटे के बाद की गई है। इस दौरान राबड़ी देवी से यह भी सवाल किया गया है तेजस्वी यादव के खाते में कितना पैसा गया है। अब इसी मामले को लेकर खुद तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने तो पहले ही कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो यही काम करेंगे भाजपा वाले। भारत में देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन और मोबाइल सेवाएं प्रदान करता है। SBI व्हाट्सएप बैंकिंग कई परेशानी मुक्त विकल्पों में से एक है, जिसे बैंकिंग ने अपने सभी बैंकिंग पूछताछ का ध्यान रखने के लिए पेश किया है। SBI सेवाओं का उपयोग करने के लिए आपको QR कोड को तुरंत स्कैन करने के लिए केवल अपने मोबाइल डिवाइस का उपयोग करने की आवश्यकता है।
रिलायंस इंडस्ट्री के मुखिया मुकेश अंबानी हमेशा कुछ बड़ा और नया करने के लिए जाने जाते रहे हैं। इसी कड़ी में मुकेश अंबानी अपने रिटेल सेगमेंट का दायरा लगातार बढ़ा रहे हैं। अब रिलायंस रिटेल की नजर चीन के टॉप फैशन चेन पर है। चीन की फैशन जायंट कहे जाने वाले सेन को मुकेश अंबानी के रिलायंस रिटेल भारत लाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि G7 शिखर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने को लेकर बढ़ा चढ़ा की बातें की जा रही हैं ताकि फर्जी विमर्श गढ़ा जा सके। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा किया है कि वाह वाह करने से सिर्फ शासन की निरंतरता और पूर्व की सरकारों के योगदान को मिटाने का मकसद पूरा होता है। उन्होंने ट्वीट किया कि G7 शिखर बैठक में स्वयंभू विश्व गुरु के शामिल होने को लेकर उनके इर्द गिर्द की हाई फैक्ट्री ने फर्जी विमर्श करना शुरू कर दिया है। बिहार में जुडिशियल स्टाम्प पेपर की कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार और न्यायालय के द्वारा बड़े स्तर पर कोशिश और व्यवस्था में सुधार किए जा रहे हैं। हालांकि कालाबाजारी कोई न कोई रास्ता निकालकर अपना धंधा चला रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय में नई व्यवस्था के तहत रजिस्ट्री ऑफिस से खुले काउंटर से फर्जी जुडिशियल स्टाम्प की बिक्री की जा रही है। जालंधर लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद प्रदेश बीजेपी ने पार्टी में बड़ा फेरबदल किया है। एक तरफ जहां शिरोमणि अकाली दल से दोबारा गठबंधन के लिए इनकार कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ अब 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी भी शुरू कर दी है, जिसको लेकर प्रदेश बीजेपी में 169 एग्जीक्यूटिव मेंबर और 23 अस्थायी आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूर्व पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ को भी नई जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस ने आप बीएसपी और बीआरएस समेत कई दलों की न्योता नहीं दिया है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर, पीडीपी कॉन्फ्रेंस, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश और आरएलडी उत्तर प्रदेश समेत 19 दलों को न्योता भेजा गया है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है संध्या चौधरी, रविशंकर, मोहम्मद साकिर हुसैन, महेंद्र कुमार और बाबूलाल मरांडी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार आगामी लोकसभा चुनाव के प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे बेहतर दावेदार कौन है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।